अंबेडकर नगर टांडा महादेवा घाट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ महिला का मिला शव। आज सुबह टांडा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर स्थित महादेवा घाट गेट के पास अधेड़ महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना कोतवाली टांडा को दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी संजय नाथ तिवारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान महिला के पास उसका आधार कार्ड और घर वालों का मोबाइल नंबर मिलने पर घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई। मृतक महिला की पहचान बसखारी थाना क्षेत्र के सुकुल बाजार निवासी कुमारी डब्लू जोखम प्रजापति उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि महिला कल शाम से ही यहां आई थी और आज सुबह मृत पाई गई। क्षेत्राधिकारी टांडा संजय नाथ तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सामान्य मृत्यु दिखाई दे रही क्योंकि महिला के शरीर पर किसी तरीके के किसी चोट के निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। महादेवा घाट से एक महिला की लाश बरामद हुई है, उसके संबंध में क्या सूचना है? सूचना पर प्राथमिक स्तर पर प्रयास किया गया तो उसमें पर्स से कुछ कागज़ मिले जिसमें मोबाइल नंबर लिखे थे। तो ये मूलतः रहने वाली बसखारी थाना के शुक्ल बाजार की हैं, कुमारी डब्लू आप जोखम प्रजापत नाम है। शव पे किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया कोई कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है और ये कल शाम को आके यहाँ बैठी थी और सुबह यहाँ पर इनकी बॉडी की सूचना मिली है। शिनाख्त हो गई, घर वाले आ रहे हैं, संभवतः कल से घर से नाराज होकर झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा, वहाँ से निकली हैं। आज बॉडी मिली है, घर वाले आ रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर सब कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अब किसी प्रकार का कोई ना कोई चोट का निशान है, न किसी प्रकार से कुछ अस्त व्यस्त है, पूर्णतया सामान्य रूप से पड़ी हुई थी। एक सामान्य मौत भी हो सकती है और इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा।